गुड मॉर्निंग, प्लस टू क्लास का हमारा मैथमेटिक्स का लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर थ्री के हमने थ्री पार्ट कर लिए थे, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स करा दिए थे, ठीक है। तीन पार्ट डिस्कशन करेंगे, आज फिफ्थ क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए सेकंड एक्सरसाइज आपकी मैथ की, आंसर नंबर फिफ्थ का फोर्थ पार्ट, ठीक है जी। टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/5 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू 5/4 होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने, टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/5 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/8 क्लियर है। टेंजेंट इनवर्स 1/2, टेंजेंट इनवर्स 1/5, टेंजेंट इनवर्स 1/8। अब ये टेंजेंट इनवर्स x हो गया प्लस टेंजेंट इनवर्स 5 प्लस टेंजेंट इनवर्स z, तो आपके पास फार्मूला था टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स 5 प्लस टेंजेंट इनवर्स z के लिए। टेंजेंट इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस के x y z डिवाइडेड बाय 1 माइनस x y माइनस y z माइनस z। देखो तो फार्मूला हो गया जी आपका टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y प्लस टेंजेंट इनवर्स z इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स क्या x प्लस y प्लस z माइनस के x y z डिवाइडेड बाय 1 माइनस के x y माइनस के y z माइनस के z x, ठीक है। अब देखो ये अपने पास टेंजेंट इनवर्स, ये x है ये y है ये z है, x 1/2 y 1/5 z 1/8 माइनस 1/2 इंटू 1/5 इंटू 1/8 y, ठीक है जी। 1 माइनस एक्स वाई 1/2 इंटू 1/5 माइनस वाई जेड 1/8 इंटू 1/2 सॉरी वाई जेड, वाई जेड ये एक्स है ये वाई है ये जेड आपका वाई जेड 1/5 एक्स वाई 1/2 1/5 वाई जेड है जी आपका 1/5 इंटू 1/8 माइनस z x tangent inverse का था आपका सॉरी z x 1/8 इंटू 1/2 सोल्व कर दो। tangent inverse ये हो गया जी 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/8 माइनस 8 में 40 4 गुणे 80 1/80 एक माइनस एक बटे दस माइनस एक बटे चालीस माइनस एक बटे सोलह जी आपका टेंजेंट इनवर्स अब हम रख लीजिएगा करके देखते हैं इसका। देखिए ऊपर वाला का ऐसे मार गया था दो का पाँच का आठ का और अस्सी का, ठीक है जी। अगर हम दो तक गया एक पाँच चार और चालीस, ठीक है जी। दो तक फिर गया एक पाँच दो और ये हो गया जी आपके पास बीस, दो से फिर करोगे एक पाँच एक दस, पाँच से फिर करोगे एक एक दो, तो दो पंजे दस दस गुणी बीस बीस गुणी चालीस चालीस गुणी अस्सी, दो गुणी चार चार गुणी आठ आठ गुणी चालीस चालीस गुणी अस्सी, अस्सी क्या आएगा जी आपके पास एल से ऊपर वाले, ठीक है जी बाय। अब देखो दो से करोगे तो चालीस, पांच से करोगे सोलह, आठ से करोगे दस, अस्सी से करोगे तो
मसीह को मसीह और किसी भी हिसाब से आपका इसका इसका 10 का 40 का और 100 का ये हो गया जी आपका 2 से 5, 20, 8 फिर हो गया जी 4 से 5, 4 से 20, 4 से 8 फिर हो गया जी 5 से 5, 5 से 5, 5 से 5 तो 5 में 10, 10 होते 40, 40 में 80 इसका प्रश्न कितना आया जाए आपके पास 80 अब 1 80 माइनस 10 18 8 माइनस 40 40 में 80 2 16 15 80 ठीक है अब इसको सॉल्व करना है टेंजेंट इनवर्स ऊपर आ गया जी 80 आपका ये हो गया जी आपका 40 और 10 50 50 और 66 में से एक गया 65 82 8 और 10 10 और 5 15 80 में से 15 गए 65 अब इसको सॉल्व कर सकते हैं ये दोनों कट जाएंगे तो टेंजेंट इनवर्स 1 तो टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट पाई बाय 4 कट गया जी तो क्या आ गया जी पाई बाय L H S लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है R H S ठीक है जी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है जी राइट हैंड साइड अब अगला पार्ट है जी इसका सेकंड पार्ट है सेकंड पार्ट में देखेंगे हम इसका जो सेकंड पार्ट है देखिए इसी प्रकार से अगला इसमें पार्ट आएगा जी आपका आंसर नंबर फिफ्थ का फिफ्थ पार्ट देखिए टेंजेंट इनवर्स 1/3 टेंजेंट इनवर्स 1/5 टेंजेंट इनवर्स 1/7 टेंजेंट इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू 5/4 लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंट इनवर्स 1/3 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/5 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/8 इसमें टेंजेंट इनवर्स x प्लस y का इसमें टेंजेंट इनवर्स x प्लस y का आप लगा दो तो टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y आपके पास फार्मूला होता है टेंजेंट इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स इंटू वाई लगाएंगे दोनों में टेंजेंट इनवर्स यू एक्स हो गया ये वाई हो गया 1/3 प्लस 1/5 वाई 1 माइनस 1/3 इंटू 1/5 प्लस टेंजेंट इनवर्स इसमें भी 1/7 इंटू n प्लस के 1/8 बाय 1 माइनस 1/7 इंटू 1/8 सॉल्व करेंगे टेंजेंट इनवर्स ऊपर वाला कैल्सियम आ गया 15 3 5 5 3 इसका भी आपका कैल्सियम आ गया 15 माइनस 5 15 1 प्लस टेंजेंट इनवर्स एलसीएम आ गया जी 8 7 56 7 8 56 8 7 56 इसका भी आ गया जी 56 56 माइनस 1 ठीक है अब आ गया जी नेक्स्ट
टेंजेंट इनवर्स, आर बटे 15 और बटे में 14/15 प्लस टेंजेंट इनवर्स 15/56 समान बटे 56 55 बटे 56 ये था 55 बटे 56 जो सोल्व करेंगे टेंजेंट इनवर्स 8/15 × 15/14 टेंजेंट इनवर्स 15/56 × 56/15 उल्ट जाएगा ना और ये उल्ट गया जाए आपका 15 से 15 कट गया 56 से 56 कट गया 2 से 2 कट गया 2 से 2 कट गया 5 से 5 से 15 5 से 11 ये आ गया आपका टेंजेंट इनवर्स 4/7 प्लस टेंजेंट इनवर्स 3/11 फिर दोबारा अप्लाई करो टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई का टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई ये एक्स और ये वाई तो 4/7 + 3/11 / 1 − 4/7 × 3/11 टेंजेंट इनवर्स ऊपर वाला उत्तम आ गया थी 77 7 11 11 44 प्लस 7 + 11 11 44 11 7 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
एंटर माइनस चार किए 12 टेंजेंट इनवर्स 4 × 5 4 × 2 = 6 वाई 7 × 2 = 5 7 × 3 = 6 / 7 इससे जितना आंसर आपको ये बच गया था। अभी पीछे बताया था टेंजेंट इनवर्स एक की एक बच गया एक की जगह टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 5/4 होता है जहाँ की वैल्यू 1 की टेन से टेन है कैंसिल हो तो 5/4 तो कितना आ गया सर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस सुनने आ गया होगा ठीक है वही आपका बार बार रिपीट हो गया टेन एट इनवर्स एक्स प्लस टेन एट इनवर्स वाई लास्ट पार्ट है इसका तीसरा तो आज का और वैसे है ये छठा पार्ट पांचवा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आज का तो देखेंगे देखिए ये दे रखे आपका आंसर नंबर 5th का 6th पार्ट 4 टेंजेंट इनवर्स 1/5 माइनस टेंजेंट इनवर्स 1/70 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/99 इज इक्वल टू 5/4 ले लिया लेफ्ट हैंड साइड 4 टेंजेंट इनवर्स 1/5 माइनस टेंजेंट इनवर्स 1/70 और प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/99 4 टेंजेंट इनवर्स का कोई फार्मूला नहीं है तो इसको मैंने तोड़ दिया 2 × 2 टेंजेंट इनवर्स 1/5 लिख दिया मैंने और ये हो गया आपका इसको मैं पहले ले लेता हूँ इसको मैं बाद में ले लेता हूँ तो किया गया जी प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/99 माइनस टेंजेंट इनवर्स 1/7 यहाँ एक्स माइनस वाई का लगा दो और यहाँ 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स का लगा दो 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स तो 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स का लगाओगे 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स टेंजेंट इनवर्स के अंदर ही है तो ये हो जाएगा जी 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स का फार्मूला ये हो जाएगा आपके पास टेंजेंट इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये फार्मूला आपका दिया था तो 2 टेंजेंट इनवर्स 2x 2 × x 1/5 बाय
वन माइनस वन बाय फाइव का होल स्क्वायर प्लस टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस वाई, टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस वाई का टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई के लिए टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय वन प्लस एक्स वाई, क्लियर है, वन प्लस एक्स ए वाई। तो ये हो गया जी आपके पास टेंजेंट इनवर्स एक्स वन बाय नाइनटी नाइन माइनस वन बाय सेवेंटी वाई वन प्लस वन बाय नाइनटी नाइन इंटू वन बाय सेवेंटी, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे टू टेंजेंट इनवर्स टू बाय फाइव वाई दिया गया जी एक माइनस एक बटे पच्चीस, टेंजेंट इनवर्स निन्यानवे और सत्तर का आपने क्या लिया है एलसीएम, निन्यानवे और सत्तर तो यह आ गया आपके पास नौ सौ नब्बे के साथ ही करोगे, ठीक है। तो सात जीरो जीरो सात महीने तिरसठ छः, सात जीरो जीरो सात महीने तिरसठ छः, सात महीने तिरसठ और छः उनहत्तर, यह आएगा सिक्स नाइन थ्री जीरो, ठीक है। निन्यानवे से जब आप करोगे इसको, नाइन्टी नाइन से जब आप इसको करोगे, ठीक है जी, तो कितना बचेगा जी आपके पास सेवेंटी, कितना बचेगा आपके पास सेवेंटी, और सत्तर से करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास नाइन्टी नाइन वाई, यह आ गया आपके पास सिक्स नाइन थ्री जीरो, सिक्स नाइन थ्री जीरो प्लस वन, ठीक है जी। अब यह आएगा आपका टू टेंजेंट इनवर्स दो बटे पाँच गुणा, इसको जब आप सोल्व करोगे पच्चीस आ गया इसका एलसीएम, पच्चीस माइनस एक चौबीस बटे पच्चीस से उठ जाएगा, तो पच्चीस बटे चौबीस प्लस टेंजेंट इनवर्स माइनस के निन्यानवे प्लस के सत्तर नौ नौ सात दो माइनस के उनतीस बटे माइनस के उनतीस बटे ये वैल्यू सिक्स नाइन थ्री जीरो बाय सिक्स नाइन थ्री वन बाय सिक्स नाइन थ्री जीरो, ठीक है जी। पाँच से कट जाएगा, दो से कट जाएगा बारह, तो यह वैल्यू टू टेंजेंट इनवर्स पाँच बटे बारह प्लस टेंजेंट इनवर्स ये वैल्यू इसी चीज क्या रहेगी कैंसिल आउट माइनस के उनतीस बटे सिक्स नाइन थ्री वन, फिर टू टेंजेंट इनवर्स एक्स का लगा हो गया किसका लगा देंगे टू टेंजेंट इनवर्स एक्स का, टू टेंजेंट इनवर्स एक्स का लगाएंगे ये हो गया जी आपके पास टेंजेंट इनवर्स टू एक्स टू इंटू एक्स एक्स का जिसका पांच बटे बारह वन माइनस पांच बटे बारह का और स्क्वेयर, और ये आ जाएगा आपके पास प्लस टेंजेंट इनवर्स माइनस ट्वेंटी नाइन बाई सिक्स नाइन थ्री वन, ठीक है। अब इसको आप एक्सपोन कर देंगे हम, ये पाँच गुणी दस बटे बारह बारह बाई एक सौ चवालीस, एक सौ चवालीस माइनस पाँच पाँच पच्चीस प्लस टेंजेंट इनवर्स
माइनस 29 बाय 6931। ये वैल्यू आपके पास टेंजेंट इनवर्स 10/12, ठीक है, और 144 में से 25, 14 में से 5 हो गए 9, 3 में हो गया 1, 119/124 माइनस का तो माइनस के टेंजेंट इनवर्स माइनस एक्स माइनस के टेंजेंट इनवर्स एक्स होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका 29/6931। इसको जब आप सॉल्व करेंगे टेंजेंट इनवर्स 10/12 इंटू 144/119, टेंजेंट इनवर्स 29/693, 12/144, ये क्या बेटा टेंजेंट इनवर्स 120/119, टेंजेंट इनवर्स 29/6931। अब फिर यहाँ टेंजेंट इनवर्स x माइनस वाई, टेंजेंट इनवर्स x माइनस वाई का बताया था पहले, तो x माइनस वाई 120/100 -29/6931 बाय, इसको जब सॉल्व करेंगे 1 + 129/119 इंटू 29/6931, ठीक है जी। जब इसको हम सोल्व करेंगे एलसीएम लेके, तब हम इसको क्या करेंगे सोल्व करेंगे, तो ये बचेगा कि आपके पास टेंजेंट इनवर्स 1 और टेंजेंट इनवर्स 1 यानी टेंजेंट पाई बाय 4, टेंजेंट टेंजेंट क्या गया कैंसिल आउट, तो क्या आएगा आपके पास पाई बाय 4, समझ गए होगे आप। और ये था कि आपका सर एक फॉर्मूला हो गया वैल्यू 2 टेंजेंट इनवर्स x का, टेंजेंट इनवर्स 2x / 1 - x2। तो ये तीन पार्ट थे, तीनों पार्ट आपके पाई बाय 4 के साथ प्रूव करने थे, पांचवा आपका कंप्लीट हो गया है। कल हम देखते हैं छठा क्वेश्चन, फॉर्मूले हर बार रिवाइज करो, हर रोज एक बार फॉर्मूले को दो, सभी फॉर्मूले लिख के देखें, और फिर भी कोई समस्या आती है तो डिस्कशन करें। धन्यवाद।